हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द मिडनाइट विजिटर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2020। ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आप लोगों के इस बार काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, वॉट वॉज ऑसिबल्स प्रोफेशन? ऑसिबल क्या काम करता था? अ टूरिस्ट, सीक्रेट एजेंट, या डिप्लोमेट, या फिर एक सोल्जर था? तो आपका सही आंसर क्या है? सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, वेयर वॉज ऑसिबल स्टेइंग? ऑसिबल कहाँ रह रहा था? इनमें, फ्रेंच होटल में, फॉलर्स होम में, या अमेरिकन होटल में? तो आपका सही आंसर है बी, फ्रेंच होटल। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑसिबल वॉज ब्रॉट टू पेरिस 20 years अगो फ्रॉम? कहाँ से? पेरिस से पहले वो कहाँ रह रहा था ऑसिबल? तो आंसर है लंदन, मॉस्को, बॉन, या बोस्टन। तो सही आंसर है आपका डी, बोस्टन। नेक्स्ट, हु केम टू मीट ऑसिबल? ऑसिबल से मिलने कौन आया था? ऑसिबल्स फादर, पुलिसमैन, फॉलर, या मैक्स? तो सही आंसर है आपके फॉलर। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट वाज फॉलर्स प्रोफेशन? जो फॉलर्स था, जो ऑसिबल से मिलने आया था, वो क्या काम करता था? क्या वो राइटर था, या एक्टर था, या सीक्रेट एजेंट, या फिर पुलिसमैन? तो सही आंसर है आपका ही वॉज अ राइटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉलर वॉज डैश टू मीट ऑसिबल। तो क्या था, उसके मन में क्या चल रहा था फॉलर के मन में कि वो ऑसिबल से मिलने वाला है? उससे पहले क्या चल रहा था? वो हैप्पी था, या एक्साइटेड था, या डिसअपॉइंटेड था, या अनअफेक्टेड? कोई उस पर अफेक्ट ही नहीं हुआ कि हाँ चलो मैं ऑसिबल से मिलने वाला हूँ। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, डिसअपॉइंटमेंट। और ऐसा क्यों हुआ? जब फॉलर ऑसिबल से मिला तो वो डिसअपॉइंट क्यों था? क्योंकि फॉलर कुछ और सोच रहा था कि कुछ एक्साइटिंग होगा, धूम धड़ाका होगा जब ऑसिबल के साथ रहेगा, तो वो किसी चोर को, चाहे किसी भी क्रिमिनल को वो पकड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो फॉलर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा था। नेक्स्ट, हु इज द गेस्ट इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? जो गेस्ट था वो कौन था? पॉसिबल, मैक्स, हेनरी, या फॉलर? तो सही आंसर है फॉलर, गेस्ट था। किसका? पॉसिबल का, जो पॉसिबल से मिलने आया था। और फॉलर कौन था? ही वॉज अ राइटर। क्वेश्चन एट, हु वॉज मैक्स? अब इस स्टोरी में, द मिडनाइट विजिटर में मैक्स कौन था? नंबर ए, द मैनेजर ऑफ द होटल, बी, अनदर सीक्रेट एजेंट, ऑसिबल्स फ्रेंड, या फॉलर्स फ्रेंड? तो सही आंसर है आपका अनदर सीक्रेट एजेंट। तो मैक्स कौन था? ही वॉज अनदर सीक्रेट एजेंट लाइक ऑसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, वेयर वॉज ऑसिबल्स रूम सिचुएटेड इन द होटल? तो ऑसिबल का जो रूम था होटल में, वो कहाँ पे सिचुएटेड था? ऑन दी ग्राउंड फ्लोर, ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, ऑन दी सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, या ऑन दी सेकंड फ्लोर? तो सही आंसर है ऑन दी सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर सिक्स्थ फ्लोर पे, जो सबसे टॉप फ्लोर था, वहाँ पे ऑसिबल का जो रूम है वो सिचुएटेड था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हु नॉक्ड एट ऑसिबल्स डोर? कौन आया था ऑसिबल्स के डोर पे? पुलिसमैन, मैक्स, वेटर, या फॉलर? तो सही आंसर है दी वेटर। और ये वेटर कब आया था? जब मैक्स, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था, वो ऑसिबल के रूम में घुस आया था, और उस वक्त कौन आया था? वेटर आया था। सबसे पहले ऑसिबल के साथ कौन आता है उसके रूम में? तो फॉलर था, तो फॉलर जो राइटर था। लेकिन अभी जो है, जब मैक्स ऑसिबल के रूम में घुसा हुआ रहता है, तो उस समय डोर के ऊपर कौन नॉक करता है? तो वो वेटर था। लेकिन मैक्स क्या समझता है कि वो पुलिसमैन है, और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है, और वो सिक्स्थ फ्लोर से नीचे कूद जाता है, बालकनी से नीचे कूद जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑसिबल वॉज अ डैश फेलो? ऑसिबल कैसा इंसान था? तो ही वॉज एक्टिव एंड स्मार्ट, टॉल एंड हैंडसम, या फिर फैट एंड स्लॉपी, या फिर डल एंड बोरिंग? तो सही आंसर है नंबर सी, फैट थे वो और थोड़े स्लोपी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैक्स एंटर्ड ऑसिबल्स रूम थ्रू द, मैक्स कैसे आया था? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कैसे आया था? बेलकोनी से, मेन डोर से, बैक डोर से, या फिर रूफ से? तो सही आंसर है हमारा मेन डोर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
विथ हुम वॉज ऑसिबल गोइंग टू रेज द इशू ऑफ द बेल्कनी। तो जो ऑसिबल है मैक्स पे चिल्लाता है कि इसके बारे में, बेल्कनी के बारे में वो वापस से शिकायत करेगा। तो वो किससे शिकायत करना चाहता था, किसके बारे में ऑसिबल यहाँ पे बता रहे थे? तो क्या वो फ्रेंच गवर्नमेंट थे, द मैनेजमेंट ऑफ द होटल, या फिर मैक्स, या फिर नन ऑफ दिस? तो आपके सही आंसर है द मैनेजमेंट ऑफ द होटल। नेक्स्ट, व्हाई डिड मैक्स एंटर ऑसिबल्स रूम? मैक्स आखिर ऑसिबल के पास क्यों आया था, ऑसिबल के रूम में क्यों आया था? टू मीट ऑसिबल रिपोर्ट, या फिर टू स्नैच एन इम्पॉर्टेंट, या फिर टू गिव इंफॉर्मेशन टू ऑसिबल, या टू स्पेंड द नाइट? तो सही आंसर है टू स्नैच एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट। जो ऑसिबल के पास एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी उसे छीनने आया था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वॉज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड? मैक्स अपने हाथों में क्या होल्ड करके रखा था? तो आपके ऑप्शन से अ पिस्टल, अ नाइफ, अ स्टिक और अ पीस ऑफ पेपर। तो सही आंसर है अ पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट स्टोरी ऑसिबल कॉक्ड अप टू मैक्स? तो जो ऑसिबल थे वो मैक्स को कौन से स्टोरी के बारे में बताया? अबाउट द रिपोर्ट, अबाउट अ बेल्कनी, या अबाउट हिज फैटनेस, या अबाउट फॉलर? तो सही आंसर क्या है? अबाउट अ बेल्कनी। वो बेल्कनी के बारे में मैक्स को बताते हैं और मैक्स को कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वॉज द बेल्कनी? बेल्कनी आखिर किस साइड था? आउटसाइड द विंडो ऑफ द रूम, ऑन द रूफ ऑफ द रूम, या आउटसाइड द बैक डोर ऑफ द रूम, या फिर नन ऑफ दिस? तो सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, आउटसाइड द विंडो ऑफ द रूम। क्वेश्चन नंबर 18, Who fell down from the top floor of the hotel? Fowler, Max, Ossible या waiter? तो सही आंसर है Max। क्वेश्चन नंबर 19, Where did Max jump through the window? आखिर Max कहाँ jump कर गया, खिड़की से? On the roof of the other room, या फिर balcony, या फिर inside the other room, और option D, ऑफिस ऑफ द होटल। तो सही आंसर क्या है? बेल्कनी से। कहां जंप किया था? विंडो से। वो क्या सोचा कि विंडो के पीछे क्या है, एक बेल्कनी है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था। और जब मैक्स विंडो से कूदता है क्या समझ के? बेल्कनी समझ के, लेकिन वो क्या होता है? सीधा नीचे जाके गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड फॉलर फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी? फॉलोअर को ये सब देख के लास्ट तक स्टोरी का कैसा फील हो रहा था? क्या वो डिसअपॉइंटेड था, थ्रिल्ड था, सैड था, या अनहैप्पी था? तो आंसर क्या होगा? ही वॉज थ्रिल्ड। उसको ये सब देख के काफ़ी मजा आया। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द फुल एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर, द मिडनाइट विजिटर। आई होप आप लोग को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। सो अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप ICSE CBSE नोट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना न भूलें। लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।